राख में रखते हुए इसके बाद टॉस उछाला जाएगा। टॉस चेस कौन करेगा? श्रीरामपुर को हरा के चेस करेंगे। इसके बाद हवा में उछाला गया है, नीचे टॉस आता हुआ। चलिए टॉस जीता है रामनगर टीम ने, अपना फैसला सुना दो। टॉस जीतकर सबसे पहले कूट करने का निर्णय लिया है रामनगर टीम। एक बार फिर से मैं चाहूंगा रामनगर खाते में। इसी के साथ रामनगर का स्कोर
चार पॉइंट पर पहुंच चुका है। यही बात दे रहे कुहारा का स्कोर का तो 3 पॉइंट पर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों टीम टक्कर दे रही है एक दूसरे को। जी बिल्कुल राजा, अगर कल के मुकाबले की बात करूं तो कल का मुकाबला इसी तरह हुआ था जिसमें काफी शानदार टैकल करने का प्रयास भी किया, सुनाओ पॉइंट मिलता है पीछे बाद रामपुर को रहा टीम का दोनों टीमें पीछे पर बराबरी। राजा मैं बात करूं जो कल के मुकाबले हमदी और परिया के खेला गया था उसमें इसी तरह के मैच हुए थे, कभी रामपुर को रहा जैसे यहाँ पे हाथ आगे हो गए उधर से परिया कभी आगे तो कभी हल्दी टीम आगे, इधर से काफी रोमांच भरा था मुकाबला और उसी तरह का आज इस मुकाबले बने रहेंगे। पीछे का पॉइंट इजाफा होता हुआ रामपुर को हार गए, खाते में 5 पॉइंट है रामपुर को हार, 7 पॉइंट पे अंकुश लगा हुआ पड़ा है, यहाँ से 4 पॉइंट स्वीप कर दे राजा करो अमर का मुकाबला इस समय कोहारा का प्लेयर रेड को ये सबसे बेस्ट लीडर है कोहारा के लिए, देखते अपने पॉइंट कहाँ तक ले जाते हैं, टच का मांग किए हैं लेकिन अंपायर अपना निगरानी देंगे इस बार 10 पॉइंट आता हुआ इस बार खाली ऐसे संतुष्ट यहाँ पे जेरेडर कमाल कर यहाँ पे जो प्रतिभाग रहा है। यहाँ पे देखा जाए ये जो लगातार कारो भारी यहाँ पे चल रहा है रामपुर को यहाँ विश्वास का पार डालते हुए यहाँ पे काफी कौन सी जिम्मेदारी लेकर इस मुकाबले कराने समय की बात करते हुए सारे लेकिन यहाँ पर यहाँ से मिलेंगे फिर से बार रामनगर के खाते में भाई राजा चलिए बढ़िया टारगेट था और सफल भी है राम गुड़ाहा का प्लेयर निकल गया था ये चले गई इस समय गुड़ाहा की तरफ से भी लिफ्ट साइड से आए हैं राइट करने देखते हैं टीम को कहां तक नहीं ले जाते हैं संभवतः क्रॉस की प्रक्रिया अपना पूरा कर चुके हैं निश्चित रूप से पॉइंट की दिशा में बढ़ेंगे एक तक चल कर नाम किए हैं एक अंक जैसा आता है एक पॉइंट सिलेक्ट करते हुए रांची को हरा थी। चलिए मुकाबला फिर से का रन होता हुआ और शानदार यहां पे था गोल टाइटल करने का प्रयास लेकिन यहां पे असफल इस प्लेयर को
बल्स अपनी टीम के लिए काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। रेड कलर में सफलता मिली थी लेकिन इस समय टैकल कर लिए गए एकांत जफा होता हुआ पुनः पुराना खाते में यह प्लेयर रेड साइड से आए हैं रेड जर्सी पहने हैं लेकिन कहीं ना कहीं चाहे भी कोहरा कि हम लीड ले लें लेकिन इसमें रेड कलर देखते हैं टीम को कहां तक ले जाते हैं संभवतः क्राफ्ट की प्रक्रिया अपना पूरा कर चुके हैं। निश्चित तौर से पॉइंट की दिशा में बढ़ेंगे मेमर पासवान जहां गए वो बैक कमेंट से सफर कर रहे हैं। मेमर पासवान इस बार टास्क पॉइंट काफी होता हुआ लेकिन खाली पैड से संतुष्ट यहां पे सारे मामले में राजा साहब समाप्ति हो चुकी है। 15 मिनट का शिफ्ट खेला जा रहा है थ्योरेटिकल लगभग बराबरी के हिसाब से चलते हुए मुकाबला काफी रोमांच की स्थिति में इतना हमें दौड़ के बड़ा सवाल है बड़ा है बस रास्ते हो सकते हैं चल पल्स मिलेंगे फिर से बाहर रामपुर खेला हरा पंकज जापान नौ पॉइंट है रामपुर का नाम 7 पॉइंट पर पंकज लगा हुआ रामनगर के खाते में 2 पॉइंट से एंड कर दिया पे रामपुर फिर से बाहर जो डायल कल वर्ग फिर से बाहर लेकिन आगे टाइटल करने का प्रयास हाल होल्ड करने का प्रयास था लेकिन काफी सहायता पर टाइगर किया था लेकिन असफल समय कटौती अंत करते हुए शानदार हेडर से कार पांच जगह का हुआ रामपुर के हरे खाते में 10 पॉइंट पर रामपुर का हरा और 7 पॉइंट पर अंकुश लगा रामनगर के खाते में अपनी मुकाबला की देखा जाए राजा यहां से मुकाबला कितनी रोमांच देख सकते हैं इस मुकाबले में समय जो बचा है मात्र से 4.5 मिनट का सफर कौन टीम लग सकती है यहां से लिख कर पाएगी राजा चलिए इस समय बनाने के लिए देखते हैं कहां तक अपन ले जाते हैं टीम को लेकिन बिगे प्लेटफॉर्म पर से बाहर अपने कहीं ना कहीं रामपुर क्राफ ये सब जो थोड़ा सा साइड आ गया और साइड से जो देख रहा है सब लोग सब लोग अपने साइड आ जा देखिए सुपर टैकर हो चुका है लीडर को पकड़ेंगे तो मात्र को 2 पॉइंट मिलेंगे 2 पॉइंट मिलेंगे मिलेंगे लेकिन इसके बाद एक एक्स्ट्रा प्लेयर भी अपने ग्राउंड में आ चुका है जो कि अपनी टीम को काफी सपोर्ट करेगा। चलिए बिगे प्लेटफॉर्म पर इस समय रामपुर का प्लेयर सीधे से आ है रेड करने हैं देखते हैं अपने टीम को कहां तक ले जाते हैं इस समय फिर से बाद रेड मलिश यादव है इसमें काफी फुर्तीला है स्वयं कप्तान लगातार दोनों टीम में रहना यहां से देखा जाए दोनों टीम एक अंदर की जिम्मेदारी लेकर अपने टीम को नया पार कराने के प्रयास में है जिसमें राज्य अपने टीम के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं अपने टीम के लिए इस बार ब्रश ने थोड़ी सी डिसीजन दिया है आप ब्रश ने इस बार सुपर टैकर पे मुकाबला चलेगा तो तीन खिलाड़ियों के मौजूद है सुपर टैकर और टैकर यहाँ से राज्य करती है रामनगर यहाँ से जाने में होगी क्योंकि टैकर अगर करती तो 2 पॉइंट से उनके खाते में होंगे टैकर यहाँ से करना आवश्यक हो चुका है लेकिन यहाँ पे छतराज भैया ने कहा कि खाली पॉइंट आप संतुष्ट हो ये छतराज भैया बिखरे जाते हैं बिटाई से कराओ करम और कर दिया मनीष के पास काफी जिम्मेदारियां हो गया था रेड करने के लिए जिसमें 12 मिनट की खेल की समाप्ति बचा यहाँ से 3 मिनट में सफर राजा से क्या मत लग रही है कि डूडाई पॉइंट ले जाएंगे या बैठेंगे जी लग रहा है कि टोटल ऑन है लेकिन चार करने का प्रयास तो कहीं ना कहीं सफल हुए कोहरा का प्लेयर है क्योंकि जब वो अपने कोहरा के खाते में और पॉइंट की दिशा में चले जाए तो कोहरा का स्कोर 11 पॉइंट हो चुका है जिसे आगे जाओ कोई मेरे करे हां उस स्थिति में है जहां से अगर आ रहा होती है ग्राम को कोहरा का प्लेयर निकल जाएगी टैकल करने का आ सकता है टैकल तो करने के लिए जो पॉइंट सुन रहा है अभी टैकल ओहो मेसी की मारा था स्थिति बना दिया है 2 पॉइंट एक जमा इनका हुआ तीन सेकंड में रहने यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार देखा जाए तो अगर टाइटल होते हैं तो टाइटल से वहां तो 3 सेकंड की मौका मिलता है वहां से पिछले बार इजाफा हुआ है 2 पॉइंट का इजाफा सुपर टाइगर में टाइटल किए गए थे नाम शानदार बढ़ोतरी लेते हुए पॉइंट की बात करें तो 9 पॉइंट रामनगर और कोहा आगे निकल चुके हैं 12 पॉइंट यानी 2 पॉइंट से जुड़ी करते हुए जी आप समय बताते रहेगा बड़े भाई जी बिल्कुल 13 मिनट की खेल की समाप्ति हो चुकी है बचा यहाँ से 2 मिनट का सफर 15 पॉइंट के मुकाबले खेले जा रहे इसमें खाली पॉइंट से संतुष्ट होंगे रामनगर खिलाड़ी फिर से मैच सुपर टैगर में मुकाबला भाई राजा चलिए सुपर टैगर ऑन है रेडर को पकड़ेंगे सीधे ले जाएंगे अपने खाते में 2 पॉइंट 2 पॉइंट ले जाएंगे एक एक्स्ट्रा प्लेयर भी आपके ग्राउंड में आ जाएगा जो कि आपको बहुत अच्छा सपोर्ट कर सकता है इसमें कहीं ना कहीं कोहरा भारी पड़ रही है रामनगर को खाली पॉइंट संतुष्ट हुए इस बार ये राजा यहाँ से कह जाएगी कि आप उधर सुपर टैगर पर रेड कर रहे हो उसमें 3 खिलाड़ी और कोच मौजूद होगा आप वहाँ पे जितने खाली रेड कराए वो आपके लिए प्लस पॉइंट होता है तो टॉली का काम करता है वहाँ से इसे में बाइस करने का भरपूर प्रयास किया गया था लेकिन एडलाइन की तरह भी थी मामला इजाफा आता हुआ और यहाँ पे 2 पॉइंटों का इजाफा तो एक बनस और एक प्लस पॉइंट बनस के रूप में यहाँ से पॉइंट होता हुआ फिर से बाहर रामनगर के खाते में रामनगर आगे निकल चुके हैं 11 पॉइंट है रामनगर और फिर से एक बार बराबर में मुकाबला कोहरा भी जा रहा तो ये टाइम आउट लिया गया है अंपायर महोदय आप देख लीजिए आप जैसे पॉइंट लगे
निकल लेंगे अपने भाई साहब जो ग्राउंड में बैठा है निकल ले तो मैं कैसे बस अपना बता लिया लोगों को पहले पीछे मार राया से आउट के बाद आउट होने ही कराम से वापसी किया है आपे राम को कराया और आगे भी निकल चुके हैं संभवतः निकलना चाहते थे राजदेव लेकिन फंस के जाल में 2 पॉइंट के साथ मिटा हुआ यहां पे
रामनगर एक खाते में वापस जरूर किया है। यहाँ पे 26 पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे 26 पॉइंट पहुंच चुका है रामनगर और अंकुश लगा है कितने पॉइंट पर रामपुर को हार बता देंगे राजा। बताएंगे रामपुर को हारा का स्कोर 21 पॉइंट हो चुका है, यानी कि 4 पॉइंट से पीछा रही है। इससे में अमित भाई इसके बाद क्या रहोगे भाई? अमित भाई रवाना होता
रेड चलता हुआ एक मिनट मात्र रेड बचे हैं और इसके लिए टैकल करने के बाद छुट्टी वाले मामा पॉइंट यहां पर दे बैठे पांच मिलेंगे यहां पर रामपुर को लगाए खाते में पीछे बार रेड पर चल रहा है यहां पर रेडिंग चलती हुई 14 मिनट 20 सेकंड खेल समाप्ति के बाद ब्रश लाइन 10 गया था सभी खिलाड़ी कोटे मौजूद है ब्रश भी ऑन है राजा जी जगह जाए तो रामनगर मानसिक रूप से जीत चुकी है लेकिन कहीं ना कहीं पांच से आप नीचे उठ से बाहर लाइन से संबंध है अपने संबंध थे इस बार प्लस लाइन को थोड़ा सा उछाल रहा है लगभग हमारे साइंस के तो जरूर है उछाल काफी अच्छा लेकर चलते हुए और यहाँ पे टाइटल संधा पांच लेंगे एक और लास्ट रेड बचे हैं लास्ट रेड 15 सेकंड बाद बचे हैं यह अंतिम रेड होगा चलिए टीम भैया राम बास जी तैयार रहेगा भाई रामपुर नहीं बल्कि रामनगर की टीम।